अपने परम पूज्य माता पिता को तो अभी जान चुके हो ना कि अभी ऐसे कहेंगे कि अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। माता पिता को जानने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो ना, उसको तो जान चुके हो। हाँ, बाकी ऐसे कह सकते हो कि बाकी पुरुषार्थ किसके लिए हैं, वो इसी के लिए है कि बाप से जो पूरा पूरा, वैसे तो बच्चे भी हैं, माता पिता है तो हम जरूर हैं, उनके बच्चे भी हैं, ऐसे नहीं बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं या माता पिता को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई समझने में भूल न करे। बाकी हमारी कोशिश पुरुषार्थ किसी के लिए है, ये है उसी के लिए कि जो माता पिता है, जिसकी हम संतान है, प्रैक्टिकल है, कहने वाली भी बातें नहीं, जैसे भक्ति मार्ग में कहते आए कि हाँ तुम माता पिता हम बालक तेरे, गाते तो आए ना, नई बात तो नहीं है, लेकिन वो तो खाली गाने की बातें थी, ऐसे ही कहने की, कहने से कोई मुख मीठा नहीं होता है, हा? प्रैक्टिकल चाहिए। तो अभी तो माता पिता को प्रैक्टिकल जानते हैं और प्रैक्टिकल उनकी संतान बन कर करके अपना हक भी उसके ऊपर रखते हैं। बाकी पुरुषार्थ इसीलिए है कि हाँ जो उनके द्वारा प्राप्ति होने की है, उसमें जो कंप्लीट प्राप्ति है वो उनके द्वारा पूर्ण करना है। कौन सी? स्वर्ग की पूरी जो राजधानी है उसमें पूरा पूरा अपना स्टेटस प्राप्त करना, उसी स्टेटस प्राप्त करने के लिए अर्थात पद प्राप्त करने के लिए पूरा, उसके लिए ये बाकी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसके लिए ये पिछले विकर्म का खाता और आगे के लिए कंप्लीट अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का ये सारा पुरुषार्थ चल रहा है। जितना जितना हम इसमें पुरुषार्थ में तेज होंगे उतना हम अपना सजाओं से भी छुटकारा पाएंगे और आगे भविष्य प्रालब्ध में भी ऊंचा स्टेटस को प्राप्त करेंगे। तो बाकी जो पुरुषार्थ है वो अभी इसीलिए पुरुषार्थ हो रहा है कि पिछला हमारे पापों का या विकर्म का जो खाता है, जो सजाएं खाते न जाएं, इसीलिए उस सजाओं से भी छुटकारा हो जाए और आगे भविष्य प्रालब्ध में भी उच्च स्टेटस को प्राप्त करें, इसी प्राप्ति के लिए बाकी पुरुषार्थ है। बाकी ऐसे नहीं कहना कोई, या ऐसे भी न कोई समझे कि माता पिता को जानने के लिए या उनका बच्चा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई बच्चा बनने का पुरुषार्थ थोड़ी होता है, लोक कृति में भी माता पिता का बच्चा पुरुषार्थ थोड़ी करते, भाई बच्चा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा कभी कहते हैं? बच्चा बस जन्म हुआ और बच्चा हुआ, और बच्चा हुआ तो इसका हेयर अपेरेंट हो ही गया, यानी बाप के प्रॉपर्टी के ऊपर उसका हक हो ही गया। तो हक लगाने के लिए और बच्चे बनने के लिए कोई पुरुषार्थ की बात नहीं होती है, बाकी पुरुषार्थ की बात है कि उस बाप के द्वारा जो हमारा कंप्लीट स्टेटस है नई दुनिया में, उसको पाना और हमारे विक्रम जो पिछले खाते का है वो भी इस बाप से बल लेकर करके हमको पूरे पापों को बैठ करके दगत करने का भी बल लेना है, जो हम सजाएं न खाएं, इसीलिए उससे छुटकारा पाने का उससे पूरा कंप्लीट शक्ति कहो या बल कहो लेना है। जिसी बल लेने के लिए बाप का भी फरमान है कि बच्चे मेरे निरंतर मेरी याद में रहने का पुरुषार्थ करो,
अर्थात जितना जितना मेरे योग में अथवा याद में स्थित रहेंगे उतना उतना मेरे याद से तुमको बल मिलेगा और उसी बल से तुम पापों से छुटकारा पाएंगे अथवा पाप को दगत होगा तेरे और फिर भविष्य प्रालबद को भी ऊंच में प्राप्त करेंगे। तो ये है पुरुषार्थ, बाकी जो वो इसी के लिए है। बाकी कोई ऐसा न कभी कहे, ऐसा कहने से तो अभी माता पिता को भी नहीं जाना और उसका बच्चा ही नहीं बना तो बाकी योग भी नहीं रह सकता। योग भी उसी का लगेगा, ज्ञान भी उसी को बुद्धि में बैठ सकेगा। ये भी एक पॉइंट है समझने की कि जब तक माता पिता को समझा नहीं है और उनका संतान प्रैक्टिकल बना नहीं है तो ज्ञान और योग भी बुद्धि में बैठ नहीं सकता। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ज्ञान योग कोई हम नहीं, वो तो हम ज्ञान जिससे ले रहे हैं पहले तो उनका परिचय चाहिए ना कि किससे लेते हैं, ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं ले रहे हैं ना। तो ऐसा कोई ख्याल न करे कि ये जैसे हम मनुष्यों से इतना काल सुनते आए अनेक जन्मों से तो ये भी कोई अभी हम मनुष्य के द्वारा ही सुन रहे हैं, नहीं, ये तो उसी नॉलेजफुल की नॉलेज है जो जानी जाननहार है, जिसके पास ही नॉलेज है और जो इस नॉलेज जानने का हकदार है तो वही जान सकता है। नहीं, सब की कर्म गति को जानी कौन सकता है सवाय परमपिता परमात्मा के। मनुष्य आत्मा की कर्म गति कोई जान भी नहीं सकता, मनुष्य मनुष्य की कर्म गति नहीं जान सकता है। इसीलिए जो हकदार है जानने का, जिसको नॉलेजफुल जानी जानी जाननहार कहा जाता है, जो इसी महिमा का लायक है और हकदार है, उन्हीं के द्वारा ही अभी डायरेक्ट जान रहे हैं। तो ये तो पहली बातें बुद्धि में अच्छी तरह से होनी चाहिए कि ये हम उनके द्वारा सुन रहे हैं और उनके ही सुनी हुई बातों में अभी प्रैक्टिकल धारणा कर कर करके चलने का पुरुषार्थ करना है। तो कोई कॉमन मनुष्य की ये नॉलेज या कॉमन कोई मनुष्य के द्वारा जैसे सुनते आए, जैसे ये रोज सुनते हो, ऐसी बातें का ख्याल कर करके नहीं चलना है। ये तो बाप है जो सर्व समर्थ है, भले इस आँखों से नहीं देखने में आता है इसीलिए बहुत मूंझते हैं, न इस आँखों से देखने वाली चीज है, न कोई उनकी शक्ति जो कुछ है उनका कोई ऐसा चमत्कार हो जो जिसके कुछ कहा कुछ ऐसे दिखाए जिससे मनुष्य समझे। तो ये कोई शक्ति उस सर्वशक्तिवान की ऐसी नहीं होती है कि मुर्दे को जिंदा करना या कोई ऐसी शक्ति दिखा दे, नहीं, सर्वशक्तिवान की शक्ति ऐसी नहीं होती है। वो शक्तिवान गाया किसी पर है, उसकी शक्ति क्या काम करती है जो कोई मनुष्य शक्ति चला नहीं सकता, वो कौन सी कि हमारे कर्मों को कंप्लीट श्रेष्ठ बनाने। तो वो कर्म तो हमारे पुरुषार्थ से बनाएंगे ना, कर्म कोई जादूगरी से थोड़ी बनाएंगे या मुर्दे को जिंदा करने से हमारा कर्म क्या बनेगा। कर्म को तो हमको अपने पुरुषार्थ से ही बनाना है, वो हमको पुरुषार्थ सिखाएगा, टीचिंग्स देगा, जिस टीचिंग्स को हम लेकर कर करके अपने पुरुषार्थ से अपने कर्मों को बनाएंगे। बाकी कोई जादूगरी से वो हमारे कर्म थोड़ी बनाएंगे है? देखो कर्म भोग को तो भोगना पड़ता है ना, इसीलिए इन कर्मों को काटना और इन पापों को दगद करना ये तो फिर हमारे पुरुषार्थ का काम हो जाता है क्योंकि बनाया भी तो हमने है ना। ये सारी चीजें समझने की है, इसीलिए सर्वशक्तिवान की शक्ति कौन सी है जो कोई मनुष्य इस शक्ति का काम नहीं कर सकता है, यानी हमारे कर्मों में ये बल नहीं ले आ सकता है, वो ले आ सकता है, इसीलिए उनको सर्वशक्तिवान का। बाकी ऐसे नहीं मुर्दे को जिंदा करे या कोई ताकत दिखलाए या कोई ऐसी बात कर देवे तभी समझे कि वो सर्वशक्तिवान है। अगर वो सर्वशक्तिवान उसको उसके शक्ति से समझना है तो हमारा क्या हुआ, हमको तो अपने कर्मों से शक्ति में आना है ना, क्योंकि हमारी शक्ति गई भी हमारे कर्मों से है, तो हमको बनना भी तो अपने कर्मों से है, इसीलिए हमारे कर्मों में शक्ति कैसे भरेंगे वो इसी नॉलेज के द्वारा। इसीलिए बाप बैठ कर करके इस नॉलेज की ये धारणा दे रहे हैं और उसी को धारण कर करके अपना भविष्य प्रालबद ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करना। तो अभी समझा ना, हाँ ये बातें तो समझते भी हो रोज सुनते भी हो कि हमको पुरुषार्थ किसी बात के ऊपर अटेंशन रख करके करना है। तो ये बात है जिसके लिए बहुत अच्छी तरह से अपना पुरुषार्थ कर करके आगे बढ़ना। अच्छा, आज आप लोगों का टाइम हुआ है, आप सवेर से क्लास में आए हुए हो इसलिए बहुत आप लोगों का टाइम नहीं लेते हैं। आज तो आए थे सबके मुखड़े देखने के लिए और खुश खैराफत लेने के लिए और खुश खैराफत देने के लिए है? आप सब तकलीफ लेते हो, इसी से हमने कहा हम एक ही जाएंगे, सबके मुखड़े भी देख लेंगे और अपनी खुश खैराफत भी आप
बता देंगे और सबकी खुश खैराफत भी देख लेंगे। मुखरों से देखनी है ना, मुखरा कौन सा? ये शरीर का नहीं नहीं, ये तो जानते हो कि हमारे मुखरे अभी कौन है, हमारे मुखरा कौन सा है? आत्मा को, हम तो आत्मा को अभी अपने को भी आत्मा ही मानना है। आत्मा मानने से ही हम परम पिता परमात्मा की संतान अपने को मान सकते हैं। इसलिए अपना भी मुखरा उसी में स्थित होना है, बुद्धि को उसमें स्थित करना है और फिर देखना है तो भी बॉडी नहीं सोल आत्मा, तो वो मुखरे कैसे फिरते जा रहे हैं? क्योंकि ये तो शरीर तो पिछले खाते का है नहीं, उसमें तो देखो ये कर्म भोगना खिटखिट ये सभी होते चलते रहेंगे, लेकिन अभी आगे के लिए जो हम बना रहे हैं तो मुखरा उसका देखना है कि उसका परिवर्तन कितना आता जाता है, वो मुखरे कितने खिरते जा रहे हैं, क्योंकि उसको अभी कंप्लीट खिराना है, इस शरीर में ही उसको कंप्लीट करना है आत्मा को। तो आत्मा कंप्लीट होंगी फिर जो शरीर मिलेंगे सदा निरोगी सदा सुख के मिलेंगे, ठीक है ना? तो अभी कंप्लीट पुरुषार्थ ऐसे करने का यत्न करते रहना है जी। अच्छा और क्या बतलाए, सब राजी खुशी तो हुई ना, हाँ मजे में हो ना, सारू छे ना, तो सभी या राजी और खुशी का भी अर्थ अभी समझते हो कि राजी किस में रहना है, खुश किस में रहना है? अभी तो देखो खुश किस्मत बनाने वाला बाप मिला है, जो हमारी सच सच किस्मत बहुत ऊंच बनाता है और हम सदा खुश, नहीं तो बाकी कोई खुश किस्मत ही है थोड़ी। मनुष्य तो समझते हैं धनवान है तो समझते हैं धन है ये खुश किस्मती है, पति है पुत्र है जो भी संसारिक है सभी बातें उनमें समझते हैं खुश किस्मती है, लेकिन अपन जानते हैं ये तो सब दुख के देने वाले हैं और देख ही रहे हैं, तो इन सब में अलग काल का विनाशी हो गया नहीं सुख। अभी हम चाहते हैं अविनाशी, जो गारंटी जिसमें कभी डर न हो, कोई दुख की कभी ये हो भी ना तो ये न हो ये न हो ये न हो, इसमें तो होता ही है ना, हे भगवान खैर करना, हे भगवान ये करना, फिर तो कुछ हो जाता है तो कहते हैं हे भगवान ये क्या किया, या ये भगवान अभी ऐसे कर, वो सब करना पड़ता है नहीं, कहना पड़ता है। तो अभी इसमें तो ये पुरुषार्थ है जिसमें हमको गारंटी रहे और जब ही कभी कोई ऐसे दुख की प्राप्ति की बातें हो गई तो ऐसे पुरुषार्थ में अभी लगे रहना। इसीलिए अभी इस पुरानी दुनिया की ये सब इच्छाएं और तमन्नाएं और ये सब जो बातें हैं उससे अभी दिल को हटाते जा रहे हैं कि ये अलग काल का लेकर के करेंगे ही क्या, और वो भी अभी विनाश होने का है, टाइम आ कर करके उसका भी पूरा हुआ है। इसीलिए अभी दिल लगानी है तो उसमें नई दुनिया में जिसमें हमारा सब कुछ प्राप्त होने का भी पूरा मिलने का है, इसीलिए दिल ले गए हैं उधर, तब हमारा ये दुनिया के बंधनों से अपनी बुद्धि हटाते जा रहे हैं। अच्छा और क्या आपकी सेवा करें, जब राजी खुशी में हुई और बाप के खजाने को अच्छी तरह से जानते और पाते जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। बोली बोली मिला है, मिली है, मिलेंगी दियो। अच्छा सब अपने पुरुषार्थ में ठीक हो ना, कहाँ चलते चलते कोई माया तो नहीं सताती है ना, नहीं अभी पता लग गया है कि हमको गिराने वाली और हमको दुख देने वाली अथवा हमारा दुख बनाने वाली कौन सी चीज है। तो उन पांच विकारों वाली चीजों के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन रखते रहना, इसीलिए संभलते चलते रहना, कोई माया का वार खाना नहीं, न काम का न क्रोध का न लोभ का न मोह का अहंकार की तो पहले ही बात नहीं, इसीलिए ये सब बातों को अच्छी तरह से संभलते आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत रखते रहना। आएंगे माया के विघ्न तूफान, कभी कभी कई बातें आ भी जाएंगी, इसीलिए ध्यान अपना पूरा रखना, बात का पुरुषार्थ करते कुछ ऐसी बातें आ भी जाए तो हिम्मत हारना नहीं, बाकी आएंगी कई प्रकार की उलझने विघ्न इधर उधर अनेक प्रकार के, अपने मन से भी आएंगे, तन से भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे, संबंध से भी आएंगे, दुनिया से भी आएंगे, कई कई बातें आएंगी ये बतला देते हैं, और आती भी है अनुभव में तो अभी आते जाते हो तो इसीलिए, परंतु उसे थकना नहीं है, ये तो अभी समझ गए हैं कि ये सब पिछले खाते के कर्मों का हिसाब किताब है, वो किसी न किसी तरह से हमारा सामना करेंगे, इसीलिए उससे भी हमें तो युद्ध करना, नहीं तो बाकी काहे की युद्ध है, जरूर कोई अपोजिशन है ना जिससे हमें युद्ध करना है,
वो क्या है, इसी को कर्मों की तो युद्ध है ना, तो पिछले कर्म का हमारा जो है उल्टा खाता उसके ऊपर हमको जीत करनी है, तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी है। तो हिम्मत हारना नहीं, हिम्मत अच्छी तरह से रखते, गाया भी हुआ है हिम्मत से मर्दा तो मदद खुदा, हिम्मत से मर्दा तो, ऐसे नहीं मदद खुदा तो हिम्मत मर्दा, उल्टा नहीं चलना। यहाँ उल्टे चलने वाले बहुत एडवांटेज लेते हैं, भगवान के गले बहुत पड़ते हैं। वो कहते हैं मदद खुदा तो हिम्मत, ऐसे कहते हैं, और भगवान कहता है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और कहीं समझते हैं कुछ भगवान करे दिखाए कुछ हाँ तब फिर हम भी कुछ करें, ऐसे कहते हैं उल्टे को। तो उल्टा तो नहीं बनना है ना, एक दे तो दस पावे ऐसा है ना, ऐसे नहीं दस तू दे तो फिर एक दे देंगे, ऐसे ऐसे हिसाब लगाने वाले नहीं, नहीं एक दे तो दस पावे। इसीलिए कानून को भी समझना, ईश्वरी लॉज भी है ना, तो उसी पुरुषार्थ में चलते रहे, ऐसे नहीं कुछ वो दिखाए कुछ करे कुछ होवे कुछ हो पीछे हम भी कुछ कर लेंगे, ऐसा ख्याल कोई ना करे। ऐसे आश्रय पर कोई बैठे हुए हो ना तो ऐसा ना हो तो फिर अपना पुरुषार्थ में जो कुछ लेना है वो लेने के वंचित रह जाए, इसीलिए खबरदार कर। इसीलिए अपना पुरुषार्थ चलाते रहना, अपनी हिम्मत हारनी नहीं है, कुछ भी हो जाए वो हिम्मत रखते चलना है, क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे हिम्मत से मर्दा तो मदद खुदा। कुछ तो पुरुषार्थ की भी पॉइंट्स होंगी ना, ऐसे आसान हो सिर्फ बस तो फिर बाकी क्या, भगवान एक तो घर बैठे मिले और एक सब कुछ हमको ऐसे ही मिल जाए तो फिर बाकी क्या है, फिर तो कोई बात ही नहीं रही हमारे पुरुषार्थ की, तो कोई बात ही नहीं रहे। नहीं कुछ तो हमें अपना पुरुषार्थ मेहनत लगानी पड़ती है ना, तो लगानी चाहिए। इसीलिए ऐसे हिम्मत और पुरुषार्थ से अपने को चलाते रहना, ऐसे हिम्मत वाणी कुछ पा सकेंगे। ऐसे तो बाहर के धंधो कामों में भी तो अपना मेहनत और पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। देखो धंधे वालों से पूछो क्या नहीं करना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े पैसे कमाने के लिए पेट के लिए कितना सब सारा दिन मनुष्य को कितना माथा लड़ाते हैं और कितना मेहनत करते हैं। तो जब भी थोड़े काम के लिए भी पेट की आजीविका के लिए भी करना पड़ता है, ये तो जन्म जन्मांतर का बनाना है, उसके लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ी ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हिम्मत हारना नहीं, चलते रहना है। अच्छा बाकी हम खुशराजी में है, टेप में भर दिया, भर गई टेप में कि हम बहुत खुश राजी में है, सब सेंटर्स पर चले जाएंगे, कि अभी कोई को फिक्र करने की बात नहीं है, अभी आपके सेवा में कंप्लीट आस्ते आस्ते रेगुलर सर्विस में लग जाएंगे। थोड़ा समय थोड़ा रेगुलर हो गए नहीं सर्विस में, अभी रेगुलर हो जाएंगे। अपनी सब है तो सर्विस ही हा? वो भी सर्विस ही थी, अगर हम समझें कि हमारी आगे है चढ़ती कला, क्योंकि हम तो आगे ही जा रहे हैं नहीं, ये तो आती है बीच में कर्म भोगना हिसाब किताब सब ये सब, ये तो चलता रहेगा ना, पिछला खाता भी तो रास्ता क्रॉस करने में काटना तो पड़ेगा ही ना, तो कुछ भोगने काटने में कुछ योग बल से कुछ किसी तरीके से कुछ किसी में चलना तो है ना, तो उसमें भी हिम्मत रखते चलना ही है। तो ये भी सर्विस ही समझनी, उसमें भी कुछ ना कुछ किन आत्माओं को कुछ ना कुछ मिलने का है, तो वो भी संबंध मिल जाता है ना, डॉक्टर नर्सेस वगैरह कुछ ना कुछ उनके भी कानों में आवाज जाती है, कुछ ना कुछ उनको भी ये मिलता है तो याद रहेगा, कभी ना कभी किसकी भी जागृता हो जाए तो ये भी एक सर्विस का चांस हो जाता है। तो अपन तो समझते ही है कि ये सब पाठ बजाते, कोई कर्म भोग का पाठ कोई किसी तरीके के पाठ, ये चलते बढ़ना तो आगे ही है, और चल कर करके अपना जो मंजिल मकसद है उसी को अवश्य प्राप्त करना है, उससे हटना नहीं है कुछ भी हो जाए। अच्छा सबको मिल गया, अभी आप लोगों को भी टाइम हुआ है। अच्छा बाप को याद करते हो ना, तो ऐसा बाप और दादा, बाप और दादा को जानते हो ना इसी तरह से, उसमें मिक्स होने में कुछ मुझते तो नहीं हो ना, बाप है या दादा है या दादा है या बाप है कुछ नहीं करना है, और वो आता है उसको अपना करने किसी इसमें मुझने वाली बातें नहीं है। तो बाप दादा को तो अच्छी तरह से समझ जाना है, इसलिए बाप दादा और माँ का मीठे 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 हो ना,
धीरे बनते जा रहे हो, नहीं करवे तो नहीं ना, करवा बनाती है माया पांच मीठा ऐसे नीचे नीचे चिकीला दे, चिकीला दे भी समझ गए होगा अर्थ, हाँ कितने बात से यहाँ पीछे मिले हो तो याद हो नहीं अपना वो दाल लगाया था ध्यान में आ गए पक्का, तो ऐसे दाल लगाने वाले चिकीला दे जो पांच राम व्रत के बाद खुला करके मिले हैं, मिले हो आप मिले थे पक्का पक्का, अच्छा ऐसे सिक्की लदे जो है और बहुत सपूत भी जो अपनी बाप की आज्ञा फरमानों के ऊपर चल रहे हैं अच्छी तरह से, ऐसे बच्चों के खुशी की आज्ञा, गुड मॉर्निंग गुड डे गुड इवनिंग एवरी टाइम गुड रखना, अभी तो छुट्टी लेते हैं फिर भी मिलते रहेंगे।